अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी मीठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में कुछ ही चीज़ों से हम इसे बआसानी 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 कप के करीब पानी लिया है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब चीनी ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 पिंच के करीब ऑरेंज फूड कलर का यूज़ करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। हमें यहाँ सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, इसका शीरा नहीं बनाना। ये रेडी है, अब इसे साइड पर रखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक पैन में 2 कप के करीब दूध लेंगे। मैं यहाँ पे फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह टेट्रा पैक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऐड कर दिया 1/4 कप के करीब मैदा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसे ऐड करने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। यहाँ मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और अब हम इसे पकाएंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किए 3 टेबल स्पून के करीब चीनी। चीनी की क्वांटिटी आपको यहाँ पे कम दिख रही होगी लेकिन इस डेजर्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे ना डालें लेकिन इसे डालने से बहुत ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेक्स्चर आएगा। देखिए मिक्सचर हमारे यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है। वनीला एसेंस यूज़ करेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून और इसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे बटर ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, इसे हम साइड पे रखेंगे। यहाँ मैंने एक सर्विंग ट्रे में स्मॉल साइज़ के रस की लेयर लगा दी है, अपनी चॉइस के हिसाब से छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ में ले सकते हैं। इसके ऊपर ऐड करेंगे तैयार किया हुआ शुगर सिरप और इसके साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अपना तैयार किया हुआ कस्टर्ड जो कि हमने पहले से बना के रख लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके। और यहाँ पर मैं ड्राई कोकोनट का यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह चाहें तो ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही इसी तरह से हम इसकी दूसरी लेयर लगाएंगे। दूसरी लेयर लगाने के बाद हम इसे डेकोरेट कर लेंगे ताकि हमारा डिज़र्ट बहुत खूबसूरत सा दिखे। मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट और पिस्ताशू का यूज़ किया है। बाद हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये लीजिए हमारी इजी और सिंपल सी डिज़र्ट यहाँ पे सर्व करने के लिए रेडी है। इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए बनाएं और इन्जॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।